यूनिंग ट्वेल्व ऐसा उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़े थे जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। यह प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन यह प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जिनको बेताज बादशाह कहा जाता है, तो बेताज बादशाह कहा जाता है, की मृत्यु हो गई थी। लोगों में शोक था, उसके बाद भी यह आंदोलन प्रारंभ किया गया, ठीक है। लोगों में दुख था, शोक था, इसके बाद भी यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसमें दो कार्यक्रम चलाए गए थे। पहला था सहयोग कार्यक्रम, ठीक, ये सकारात्मक था। इसमें था हिंदू मुस्लिम एकता, ये सकारात्मक भी कह सकते हैं, सकारात्मक कार्यक्रम हिंदू मुस्लिम एकता। दूसरा अस्पृश्यता उन्मूलन। तीसरा था चरखा बांटना। चौथा था सूत काटना, काटन बनाना, मतलब यान बनाना, सूत काटना, ठीक है, सूत काटना। ये सकारात्मक पक्ष थे, हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता उन्मूलन, चरखा बांटना, सूत काटना। ये लोगों से कहा गया कि ये आप काम करिए। नकारात्मक कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के थे, नकारात्मक कार्यक्रम इसमें क्या था कि कहा गया कि सरकारी नौकरी से आप इस्तीफा दे दीजिए, सरकारी नौकरी से इस्तीफा। उसके बाद ये था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। उसके बाद तीसरा था उपाधियों का त्यागना। और चौथा था चुनाव प्रक्रिया में भाग ना लेना, कहने मतलब चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार करना। तो ये चार नकारात्मक थे। और इसमें आंदोलन शुरू होने से पहले ही महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी। महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू होने से पहले ही कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी। जवाहरलाल बजाज ने नवाब बहादुर की उपाधि वापस कर दी, लौटा दी। हिंदू मुस्लिम एकता इस समय चरमोत्कर्ष पे था। उसी समय
मुस्लिम समाज के नेता सैफुद्दीन किचलू, मुस्लिम समाज के नेता सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर स्वर्ण मंदिर की चाबी सौंपी गई। अमृतसर में जो स्वर्ण टेंपल है, गोल्डन टेंपल है, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेंपल है, उसकी चाबी सौंपी गई। और आर समाजी जो नेता थे, आर समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद, आर समाज के जो नेता थे स्वामी श्रद्धानंद, इनको जामा मस्जिद से, जो दिल्ली में है जामा मस्जिद, जो दिल्ली में जामा मस्जिद, वहां से भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। इसको स्वामी श्रद्धानंद को भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसी समय गांधी जी ने यह प्रण किया कि हम आजीवन लंगोट धारण नहीं करेंगे, आजीवन लंगोट धारण करेंगे, अतः वस्त्रों का त्याग किया कि आजीवन लंगोट धारण करेंगे। इसी समय असहयोग आंदोलन के समय ही गांधी जी ने ये प्रण किया था। इस आंदोलन में जो गिरफ्तार हुए थे, सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना इस आंदोलन में सर्वप्रथम गिरफ्तार हुए थे, और इनके साथ ही चितरंजन दास की पत्नी बसंती देवी को सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया था, और मोहम्मद अली जिन्ना को भी गिरफ्तार किया गया था। अब देखेंगे एक फंड की स्थापना की गई थी, तिलक स्वराज फंड। जमानालाल बजाज ये गांधी जी के पांचवे पुत्र कहे जाते थे। जमानालाल बजाज को गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता था। इन्होंने वकीलों से कहा कि अगर आप वकालत छोड़ देंगे तो हम 1,00,000 रुपया प्रतिवर्ष आप लोग को देंगे। 1,00,000 रुपये प्रतिवर्ष जमानालाल बजाज ने वकीलों से कहा कि अगर आप लोग वकालत छोड़ देंगे तो हम 1,00,000 रुपये प्रतिवर्ष देंगे। उसके बाद तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। तो आंदोलन चलाने का ये लक्ष्य था कि अंग्रेजों का सहायता नहीं किया जाए। जैसे क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड में निर्दोषों को सजा नहीं मिली थी, जनरल डायर को सजा नहीं मिली थी, इसीलिए, और जो मृत्यु हुए थे उनको कोई मुआवजा भी नहीं मिला था। इस कारण से गांधी जी ने प्रण किया कि हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे, अगर इससे भी नहीं मानेंगे तो लोगों को कहेंगे कि कर ना दो, लगान ना दो, टैक्स ना दो, कर एंड लगान ना देने के लिए कहेंगे, और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। ये गांधी जी के विचार थे कि कर सब नहीं मानेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे तो कर और लगान नहीं देंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया। जो कि गोरखपुर में है। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे चौरी चौरा कांड। ओके, थैंक यू।